रियासतकालीन शाही कुंड राजा महाराजाओं के समय का है। यह शाही कुंड का निर्माण 1847 में हुआ। इस कुंड में हमारे करौली के व्यक्ति पिकनिक के लिए जाया करते थे। पहले शाही कुंड के नाम से विदेशी पर्यटक यहाँ आते थे, लेकिन स्थिति इतनी खराब हो गई उस शाही कुंड पर आज कोई भी नहीं जाता है। तो जो मंजिल इस समय जो दिख रही है ऊपर, उसके ठीक दो मंजिल नीचे इसमें हुआ है, ऐसी की ऐसी। तो ये कमल कुंड का है। कमल की जैसे प्रकृति होती है, चारों सीढ़ियाँ हैं, चारों बगल सीढ़ियाँ हैं, कहीं से भी चढ़ा जा सकता है। और कमल का जो रूप दिया हुआ है, इसकी जो स्थापित कला है या शिल्प कला है, वो बहुत मजबूत, मतलब जो है देखने लायक। इस कुंड में पानी के स्रोत भी हैं। इस स्रोतों द्वारा करौली समाज के लिए पानी सप्लाई की जाती थी। पहले भी क्या है, पानी की व्यवस्था कमी थी, तो गवर्नमेंट ने राजस्थान को ऐसा सन 56 में इसकी जो है सफाई हुई। किसी भी व्यवस्था के द्वारा उसकी सफाई अगर हो जाती है, तो आज सारी जगह उसकी खुलने के लिए वो खुल जाती है। तो शाही कुंड में इतना पानी है, आज भी हम सारे केवल शाही कुंड के माध्यम से कर सकते हैं। इस रियासतकालीन कुंड की सुंदरता को बनाए रखने के लिए करौली जिला पत्रकार संघ व समाज सेवी संस्थाओं व जन नागरिकों द्वारा सफाई की जा रही है। हमारे मन में कुछ ऐसी जागृति पैदा हुई कि उसको हम सौंदर्यकरण के लिए लोगों को जागृत करें और उसको उसकी सफाई अभियान चलाएं। उसको सोचते हुए हमने ये शाही कुंड के सफाई अभियान का लोगों से आह्वान किया। उस आधार पर ही हमारे शहर के प्रमुख संगठनों के लोग मौके पर पहुँचे, हमारे क्षेत्रीय विधायक रोनी देवी जी पहुँची। पहले तो सबने सामूहिक रूप से वहाँ श्रमदान करके उसकी सफाई की। हमारी जो विधायक है उनसे उसके रखरखाव सौंदर्यकरण के कुछ राशि मांगी गई, और अभी जितना भी होगा अपन लगा देंगे, है ना? लगवा दो आप, मेरे कोटे से तो मैं करवा देती हूँ, ठीक है ना? आप लोग ही देखोगे, कमेटी आप लोग ही हो, कमेटी बनाएंगे अपन, पूरा वो करेंगे और ये सारा, ठीक है? करौली वासियों ने श्रमदान करके यह साबित कर दिखाया कि कम्युनिटी के व्यक्ति एक साथ एकत्रित होकर क्या नहीं कर सकते। सुनीता कसेरा, इंडिया नर्ड के लिए।